डियर स्टूडेंट्स, इन रिटन कम्युनिकेशन रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ ए वर्ड में कन्वे द रॉन्ग मैसेज टू द रीडर, इन द सेम मैनर इन करेक्ट प्रोनंसिएशन में कन्वे द रॉन्ग मैसेज टू द लिसनर. प्रोनंसिएशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ स्पोकन इंग्लिश, बट अनफॉर्चुनेटली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेज स्टूडेंट्स आर नॉट टॉट करेक्ट प्रोनंसिएशन स्किल्स. इवन द स्टूडेंट्स आर नॉट मेड फेमिलियर अबाउट द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट. एंड रिमेंबर, only international phonetic alphabet may give you the right techniques to pronounce the words correctly. Generally, we learn to pronounce the words in two ways. Either we pronounce the word as per the spelling, but remember, spelling is also not the correct guide or reliable guide to the pronunciation. Second one is we pronounce the words what we listen to the other people, but these both method may be wrong. So to acquire the correct pronunciation, first of all, you must learn correct international phonetic alphabet and what sound they generally give. So based upon the international phonetic alphabet only, you can learn to pronounce the words correctly. And whenever you find a new word, you must immediately refer to the dictionary and also look at the phonetic alphabet in which the correct pronunciation is given. And in this digital era, even you can listen to the correct pronunciation in digital dictionary. So now, first of all, in this video, I will make you familiar with all the international phonetic alphabet. Dear student, जैसा कि आपने देखा कि pronunciation basically spoken English का एक बहुत ही important part होता है. अगर आप शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं तो हो सकता है कि जो मैसेज आप सामने वाले व्यक्ति को देना चाहते हैं वो मैसेज गलत समझा जा सकता है. इसके लिए हम लोगों को इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट को सीखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो डिक्शनरीज हैं, जैसे ऑक्सफर्ड है, लॉन्गमैन है, मैकमिलन है, इन सब में जो प्रोनंसिएशन दिया हुआ होता है शब्दों का, वह सबका सब प्रोनंसिएशन फोनेटिक अल्फाबेट में दिया हुआ होता है. तो आइए, आज की इस क्लास में हम सबसे पहले सीखेंगे द आर्ट ऑफ करेक्ट प्रोनंसिएशन. इसके लिए हम लोगों को जो भी इंग्लिश अल्फाबेट में आपके कॉन्सनेंट्स और वाउल्स कुल मिला के 26 लेटर्स होते हैं, ठीक ऐसे ही जो इंग्लिश अल्फाबेट हैं इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन फोनेटिक अल्फाबेट में भी होता है. तो मैं आपको यहाँ आज बताऊँगा कि जो आपके सामने जो इंग्लिश अल्फाबेट की जो 26 लेटर्स की लिस्ट है, ध्यान से देखिए, इन 26 लेटर्स में 5 आपके वाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू. बाकी 21 जो होते हैं वो कॉन्सनेंट्स होते हैं. इन कॉन्सनेंट्स और वाउल्स जिस तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट में है, ठीक ऐसे ही इन इंग्लिश अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए फोनेटिक कॉन्सनेंट्स होते हैं. साथ में इन 5 वाउल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फोनेटिक वाउल्स है वो भी हम बुक सीखेंगे. पर ध्यान दीजिए, ये 5 जो इंग्लिश वाउल्स हैं ये 20 फोनेटिक वाउल्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी वो 20 तरीके का साउंड देते हैं. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपके इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स हैं, इनके कौन से सिंबल्स फोनेटिक अल्फाबेट के इनको रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा. कल जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें आपके जो 5 वाउल्स हैं इंग्लिश के, ये जो 20 साउंड्स देते हैं, इन 20 साउंड्स को हम किस तरीके से फोनेटिक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से सिंबल और साइन है जो फोनेटिक अल्फाबेट में इन 5 वाउल्स के लिए यूज किए जाते हैं. तो आइए हम अभी सबसे पहले आपके कॉलम फर्स्ट में जो मैं यहाँ लाइन खींच रहा हूँ, ये सब के सब आपके फोनेटिक कॉन्सोनेंट्स हैं. चूँकि ये फोनेटिक कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में लिंग्विस्टिक में माना जाता है, जैसे प्लॉसिव है, एफ्रिकेटिव है, तो उसी ऑर्डर में इसको लिखा है, इन्हें अल्फाबेटिकली नहीं लिखा है. बेसिकली ये फोनेटिक कॉन्सोनेंट्स हैं. इन फोनेटिक कॉन्सोनेंट्स जो ये हैं, ये कौन से इंग्लिश कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो ठीक इसके सामने दिया गया है. साथ में जो ये हिंदी के जो मैंने देवनागरी लिपि में जो मैंने लेटर्स लिखे हैं, ये लेटर्स इनका प्रोनंसिएशन है. तो आइए, पहला जो आपका है ये बेसिकली फोनेटिक कॉन्सोनेंट जो पी जैसा लिखा हुआ है, ये इंग्लिश कॉन्सोनेंट पी को ही रिप्रेजेंट करता है. इसका प्रोनंसिएशन होता है पे,
जैसे कि पल पंप। ठीक ऐसे सेकंड नंबर पे देखिए, एक्चुअली ये फोनेटिक अल्फाबेट जो बी जैसा लिखा हुआ है, ये बी को रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश अल्फाबेट को। इसका प्रोनंसिएशन वे होता है, जैसे कि बग एंड बल्ब। ठीक ऐसे तीन नंबर पे देखिए, जो फोनेटिक लेटर लिखा हुआ है ये टे, इसका एक्चुअली साउंड है, और ये इंग्लिश अल्फाबेट टी को रिप्रेजेंट करता है, यानी फोनेटिक अल्फाबेट में इस टी को टी लिखा जाता है, जैसे कि टन टर्न। ठीक ऐसे फोर्थ नंबर पे देखिए, लिखा हुआ डी, बेसिकली ये इंग्लिश जो कॉन्सनेंट डी है उसी को रिप्रेजेंट करता है। इसका प्रोनंसिएशन है, इसका साउंड होता है डे, जैसे कि डर्ट डल। आप इसके जो सामने एग्जांपल दिए वो देखिए। पांच नंबर पर है के, ये बेसिकली जो इंग्लिश अल्फाबेट के है, जो कॉन्सनेंट है उसी को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो प्रोनंसिएशन होता है वो होता है के, यानी इसका साउंड है के, जैसे कि किक कट। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो इंग्लिश अल्फाबेट सी है और के है, उन दोनों के लिए फोनेटिक अल्फाबेट में ये के ही लिखा जाएगा। ये सी है तो भी इसे फोनेटिक अल्फाबेट में के का ही सिंबल लिखा जाएगा, और यदि के है तो भी इसके लिए के ही लिखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस सी के लिए कोई अलग से कोई दूसरा फोनेटिक कॉन्सनेंट नहीं है, ये के से रिप्रेजेंट होकर इसका साउंड होता के। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, यहां पर दिया हुआ ये जी, ये बेसिकली इंग्लिश अल्फाबेट एंड इंग्लिश कॉन्सनेंट जी को रिप्रेजेंट करता है। इसका प्रोनंसिएशन होता है ग, और ध्यान दीजिए जैसा कि गम एंड गन, और ध्यान दीजिए कुछ शब्दों में इस जी का प्रोनंसिएशन जे भी होता है, वहां पर इसके लिए फोनेटिक अल्फाबेट जे के लिए दूसरा फोनेटिक कॉन्सनेंट होगा, ये सिर्फ ग की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर इस जी का प्रोनंसिएशन कहीं पर ज हो रहा है तो उस जे के लिए अलग से फोनेटिक कॉन्सनेंट है, ये सिर्फ ग को रिप्रेजेंट करता है और इस जी को जी लिखा जाता है। पर इस जी का प्रोनंसिएशन यदि कहीं पर ज है, जैसे कि जीनियस, तो उसमें फोनेटिक अल्फाबेट दूसरा होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट देखिए, फोनेटिक कॉन्सनेंट एफ है, ये इस एफ को ही रिप्रेजेंट करता है, और इसका प्रोनंसिएशन साउंड होता है देवनागरी हिंदी लिपि में फ, जैसे कि फन फर। ठीक ऐसे ही जो ये वी है, ये वी को ही रिप्रेजेंट करता है, इसका हिंदी देवनागरी लिपि में जो सिमिलर साउंड है या लेटर है वो होता है व। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हमारा ये जो व शब्द है, ये इंग्लिश के डब्लू को भी यही रिप्रेजेंट करता है। हालांकि नेटिव स्पीकर्स के लिए भी इस डब्लू और वी के प्रोनंसिएशन में भेद करना बड़ा ही मुश्किल होता है। हम लोग हिंदी में इस वी और डब्लू के लिए जो साउंड यूज करेंगे हिंदी में वो होता है व। तो ये जो यहाँ पर ये जो मैं कॉन्सनेंट साउंड लिख रहा हूँ हिंदी देवनागरी लिपि में, ये इन फोनेटिक कॉन्सनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इस वी का वी रिप्रेजेंट होगा, साउंड होगा वी, जैसे कि वर्ब वर्ब। क्लियर, आइए अगला आपके सामने सेकंड पे दिया है। फर्स्ट पार्ट में अगेन मैंने इसके अंदर ये फ्रेटिक कॉन्सनेंट है, सेकंड पार्ट में यदि इन फ्रेटिक कॉन्सनेंट का कोई सिमिलर कोई अगर लेटर है इंग्लिश कॉन्सनेंट का तो वो लिखा है, नहीं है तो उसको छोड़ दिया। पर ये सबके सब हिंदी देवनागरी लिपि में है, और ये इनका प्रोनंसिएशन है, यानी ये साउंड जो ये फोनेटिक कॉन्सोनेंट्स हैं हिंदी में जो लिखे हुए लेटर है ये वाला साउंड देते हैं। नाइन्थ नंबर का जो सिंबल है, बेसिकली इसका जो साउंड होता वो होता थ। इंग्लिश कॉन्सोनेंट में इसके लिए कोई ऐसा सिंगल लेटर नहीं है, सामान्यतया हम टी एच को यहाँ पर इसके लिए लिखते हैं टी एच, सिंगल लेटर नहीं है, जैसे कि थर्ड एंड थर्ड। ठीक है, ये जो दिया हुआ थर्ड एंड थर्ड। टेंथ नंबर पे सिंबल देखिए, ये बेसिकली दे को रिप्रेजेंट करता है, जो इस तरीके से लिखा हुआ है, इसके लिए इंग्लिश कॉन्सनेंट में कोई भी लेटर नहीं होता है, ये हिंदी का साउंड द है जो हम जनरली डी से या टी एच से इसको लिखते हैं, पर इसका जो प्रोनंसिएशन होगा
वो होगा द, जैसे कि दस दैट। इलेवंथ नंबर पर फोनेटिक जो सिंबल हो एस जैसा है, ये आपके इंग्लिश कंसोनेंट एस को ही रिप्रेजेंट करता है। इसका जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो सह होता है, जैसे कि सम सन। ठीक है, यहां पर जो ये सम और सन। नेक्स्ट आइए, ये है जेड। ये जेड को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका जो साउंड है, जो हिंदी में जो इसकी ध्वनि है, दैट इज ज, थोड़ा सा इसके अंदर कहना चाहिए एयर फ्लो ज्यादा रहता ज, जैसे जर जर। तो ये इसमें नीचे जे के नीचे हल्की सी बिंदी लगी हुई है, जैसे कि जी जिप। क्लियर। 13 नंबर पर एक सिंबल देखिए जो आपके सामने यहां पर दिया हुआ है। बेसिकली इसका इंग्लिश कॉन्सोनेंट में कोई भी लेटर इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन जो इसका साउंड है, जो हिंदी देवनागरी में जो ये ध्वनि देता है, वो होता श, जिसे हम लोग शंकर वाला श कहते हैं, जैसे कि शट एंड शन। ध्यान दीजिएगा, सन ये है आपका एसयूएन सन, लेकिन ये जो आपने लिखा दिस इज शन। क्लियर। अगला आ जाइए 14 नंबर पर, जो सिंबल दिया हुआ है वो हालांकि लिखने में जो हम लोग स्मॉल लेटर्स में जेड लिखते हैं वैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इंग्लिश कॉन्सोनेंट में इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करने वाला लेटर नहीं होता है, लेकिन इसका जो साउंड होता है, जैसा कि वी जन 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 करके इसकी आवाज आती है, ठीक ऐसे ही प्लेजर ज ज। तो यहां पर इसलिए मैंने इस जगह को यहां पर खाली छोड़ा हुआ। अगर आप ये देखें जो खाली छोड़े हुए जो जगह है, इनका इंग्लिश कॉन्सोनेंट में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पर इनका जो साउंड है, जो ध्वनि है हिंदी देवनागरी लिपि में, वो मैंने यहां पर दिया हुआ है। ठीक। तो आपको कुछ शब्द विशेष तौर से पहचानने हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लेटर्स, नॉट शब्द सॉरी लेटर, ज्यादातर जो लेटर्स है जो इंग्लिश कॉन्सोनेंट है, उन्हीं को फोनेटिक कॉन्सोनेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जैसे 9th और 10th, ठीक ऐसे ही 13th एंड 14th का कोई भी जो फोनेटिक जो सिंबल है, इनका इंग्लिश कॉन्सोनेंट में रिप्रेजेंट करने वाला लेटर नहीं है, लेकिन हिंदी में इनका साउंड मैंने दिया है। 15th नंबर पर सिंबल है एच जैसा, ये एच को ही रिप्रेजेंट करता है, इसका साउंड होता है जैसे कि हब हग। ठीक है, ठीक ऐसे ही 16th नंबर पर दिया हुआ है फोनेटिक जो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है एम जैसा है, ये एम को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका जो साउंड है, जो इसका जो प्रोनंसिएशन है, जो ध्वनि वो होता है मैं। तो बेसिकली ये जो शब्द में, ये सॉरी शब्द नहीं लेटर, ये आपके इस ध्वनि को प्रोड्यूस करते हैं। मैं फिर आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो इसके पिछले पेज पर भी जो कुछ यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये जो लेटर्स दिए, हाँ, ये जो बेसिकली फोनेटिक जो कॉन्सोनेंट्स है, ये फोनेटिक कॉन्सोनेंट इन साउंड्स, इन ध्वनि को रिप्रेजेंट करते हैं, इन ध्वनि को बताते हैं। साथ में जो इंग्लिश के जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इन कॉन्सोनेंट के लिए यही फोनेटिक लिखे जाते हैं, यही फोनेटिक अल्फाबेट लिखे जाते हैं। लेकिन अगले पेज पर जो आपने देखा कि यहां पर इस सिंबल और इस सिंबल का ध्वनि तो थ और द है, पर इंग्लिश में इसके लिए इंग्लिश कॉन्सोनेंट में कोई भी लेटर नहीं है। एस को ऐसे लिखा जाता, ये साउंड देता स, ठीक है। तो इनका जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो ये है। अगला आइए, अगला दिया हुआ है 17th पे एन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एन ही है, इसकी ध्वनि होती है न, जैसे कि नन, दोनों नन है, एन ओ एन ई भी नन है और एन यू एन भी नन है। 18th नंबर पर जो सिंबल दिया हुआ है, इसका बेसिकली इंग्लिश कॉन्सोनेंट में कोई भी लेटर नहीं है, इसका प्रोनंसिएशन कुछ एक तरीके से जो मैंने यहां लिखा है एक बिंदी लगा के, जैसे कि यहां देखिए गैंग सिंगिंग, तो ये होता ंग इंग गैंग। तो यहां पर इसका जो प्रोनंसिएशन इन दो शब्दों से आप समझ सकते हैं।
हिंदी में जिसे कहते हैं ए आ ई ई उ उ ए ऐ ओ ओ अंग अह। सो अंग की जो ऊपर बिंदी लगती है यह बस उसी को रिप्रेजेंट करता है, साथ में ग इसमें इंक्लूड है, यानी अंग अह अंग की जो बिंदी जो मैंने ऊपर लगाई है रेड से, ये और ग दोनों मिला जुला साउंड है 18th नंबर। 9th में है एल, ये एल को ही रिप्रेजेंट करता है, साउंड है इसका ल, जैसे कि लव एंड लक। 20 में जो फोनेटिक कंसोनेंट आर जैसे ही लिखा हुआ है, आर को ही रिप्रेजेंट करता है, इसका साउंड होता है र, जैसे कि रब एंड रन, रब एंड रन जो ये दिया हुआ है। अगला देखिए 21 पर दिया हुआ डब्लू, ये डब्लू को ही रिप्रेजेंट करता है लेकिन साउंड होता है व। अब हम जो लोग हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में इस वी और डब्लू के लिए एक ही साउंड हम यूज करेंगे व, हालांकि इनमें थोड़ा भेद होता है, लेकिन ये नेटिव स्पीकर्स के लिए भी इनके अंदर जो बहुत बारीक अंतर उसको भेद करना मुश्किल हो जाता है। हम अभी इसको डब्लू से ले लेंगे, जैसे कि वन एंड वर्ड। 22 नंबर पर दिए हुए सिंबल को सावधानी से देखिए, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फोनेटिक अल्फाबेट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्यों है, ये लिखा हुआ जे जैसा है पर ये इस ये साउंड को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंग्लिश कॉन्सनेंट है उसमें हम लोग वाई को इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभार यू को भी करते हैं, जैसे कि यूनियन। तो ये जो जे जैसा सिंबल है इसका जो साउंड है, जो ध्वनि है वो होता है ये जो ये है, ये वाई और कभी कभार यू और इवन ई यू को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि यस एंड यंग जो दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स भ्रमित होते हैं, आप इसको सावधानी से समझिएगा। 23 पे भी ध्यान दीजिए, यहां पर जो सिंबल दिया गया है वो डी और एक स्मॉल जेड को मिलाकर एक ही फोनेटिक सिंबल बनाया गया है। बेसिकली इंग्लिश का जो जे है, जो फोनेटिक अल्फाबेट में तो ये है, लेकिन इस डी जे से इंग्लिश कॉन्सनेंट के जे को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जे। तो ये इस जे को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि जज एंड जस्ट। देन आ जाइए 24 पर, ये दो सिंबल टी और एक सिंबल और इनको मिला के बना है। बेसिकली इसका प्रोनाउंसिएशन होता है चे, और इंग्लिश कॉन्सोनेंट में इसके लिए कोई भी ऐसा सिंगल लेटर नहीं होता, लेकिन हम सामान्यतया सी एच से इसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मान लीजिए, पर इंग्लिश कॉन्सोनेंट में इसके लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। मैं एक बार के लिए पूरे के पूरे 24 फोनेटिक कॉन्सोनेंट्स जो अलग अलग साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो मैंने दिया। अब ध्यान दीजिए, कुछ साउंड अपनी हिंदी मातृभाषा में तो होते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं होते। जैसे बहुत कॉमन सा एग्जांपल मैं इसको एक बार पूरा प्लेन करके बताऊं, आपने देखा होगा जी एच, हम लोग ये लिखते हैं घ। अब इस घ के लिए इंग्लिश में कोई भी सिंबल नहीं है, फोनेटिक सिंबल नहीं है, नहीं ऐसा कोई साउंड आया। केवल जो फोनेटिक जितने भी ये फोनेटिक कॉन्सोनेंट्स हैं जो मैंने लिखा है, ये हिंदी के इन साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में जो आपके इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें ज्यादातर को लिखने के लिए उसी का सिमिलर सिंबल फोनेटिक अल्फाबेट में यूज किया गया है। केवल 7 फोनेटिक सिंबल ऐसे हैं जिनका इंग्लिश कॉन्सोनेंट में कोई सिंबल नहीं है, जैसा कि 18 नंबर पर, 22 नंबर पर, 24 नंबर पर। ठीक ऐसे आप इसके पीछे देखें तो 9 और 10 नंबर पर, 13 और 14 नंबर पर जो सिंबल दिए गए हैं, इनका कोई भी किसी तरीके का इंग्लिश कॉन्सोनेंट में कोई सिंबल नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो हिंदी में मात्राएं होती हैं ए आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे 5 इंग्लिश वाउल्स हैं ए ई आई ओ यू,
ये 20 साउंड्स देते हैं, 20 तरीके की ध्वनि देते हैं। अकेला ए कम से कम 8 तरीके का उच्चारण देता है। बाकी हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस को आप देखिए, निश्चित रूप से आप अच्छा और सही प्रोनंसिएशन सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।